ओके, ठीक है फटाफट कॉपी में लिखिए तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन मोनोपोली डे वन ठीक है क्यों लिखा हुआ ठीक है सबसे पहले अपने मोनोपोली क्या होता है इसके बारे में जानेंगे फिर उसी फीचर से डेफिनेशन कन्वर्ट कर देंगे समझे मोनोपोली का फीचर्स पढ़ेंगे और फिर उससे अपने डेफिनेशन क्रिएट करेंगे ठीक है तो हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ मोनोपोली फीचर्स ऑफ मोनोपोली मोनोपोली का फीचर्स क्या है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं देखो मोनोपोली बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है मोनोपोली दो वर्ड से मिलकर बना है मोनो पोली। पोलो मोनोमीन्स सिंगल और पोली मीनस बेसिकली सेलर होता है ठीक है तो मोनो प्लस पॉली दो वाइड मोनोमिन सिंगल पॉली मतलब सेलर तो मोनोपोली uh, का मतलब क्या हो गया सिंगल सेलर तो पहला फीचर से इसका सिंगल सेलर मोनोपोली का पहला फीचर्स है कि पूरे मार्केट में जो सेलर है वो क्या है सिंगल है सिंगल मतलब शादी बियानी हुआ ऐसा नहीं इकलौता सेलर है है ना शादी बिया हुआ है सिंगल मतलब नहीं है समझ आ रहा तो मोनोपोली का मतलब यहां पे हो गया सिंगल सेलर से आई हैव अ अब अपने ना कभी कभी बोल देते यार उसकी मोनोपोली है और उसने बहुत गलत काम कर रहे हैं बोल देते हैं ना कि मोनोपोली का फायदा उठा रहा है एक्चुअल में मोनोपोली जो अराइजमेंट होता है ना उसके कुछ पीछे रीजन है कभी कभी गवर्नमेंट खुद मोनोपोली क्रिएट करवाती है जान करके ऐसा ना जैसे इंडियन रेलवे इंडिया में इंडियन रेलवे कौन चलाता है इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली है आपका कोलकाता रेंज में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है एक कंपनी करती है जिसका नाम है सीएससी सीएससी की क्या है मोनोपोली है क्या सीएससी अलावा कोई और भी सेलर है जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कोलकाता में कर रहा है नहीं कर रहा है तो सीएससी क्या हो गया अपना मोनोपोली हो गया तो मोनोपोली मतलब पूरे मार्केट में इकलौता एक ही सेलर है और कोई दूसरा सेलर नहीं है तो पूरे सीएससी का क्या है मोनोपोली है बोलो क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन पूछो किसी कुछ क्वेश्चन था क्या नहीं ठीक है तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर अच्छा सपोज मेरी मोनोपोली है, ध्यान मेरी क्या है मोनोपोली है मतलब जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं क्या वो प्रोडक्ट सारे लोग बेच रहे हैं जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं क्या सेम प्रोडक्ट सारे लोग बेच रहे हैं नहीं अगर जो मैं बेच रहा हूं अगर वही सारे के सारे लोग बेचेंगे तो फिर काहे का मोनोपोली मोनोपोली का मतलब ही हो गया जो मैं बेच रहा हूं बाकी कोई नहीं बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूं बाकी कोई नहीं बेच रहा है मेरा प्रोडक्ट दूसरों से हटकर है डिफरेंट है इसलिए इसका दूसरा फीचर्स हो गया डिफरेंसिएटेड प्रोडक्ट डिफरेंसिएटेड प्रोडक्ट या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट ठीक है जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं वैसा प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं कर रहा है मेरा प्रोडक्ट दूसरों से हटकर है तो मेरे प्रोडक्ट का जो नेचर है वो हेटरोजेनियस या डिफ्रेंसिएटेड है हेट्रोजीनियस या डिफ्रेंसिएटेड है आ? अच्छा पॉइंट नंबर थ्री मैं मोनोपोली है ना हेलो मेरी मोनोपोली मैं प्राइस कम रखूं या ज्यादा रखूं जब इच्छा हो बढ़ा दूं जब इच्छा हो कम कर दूं किसी कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं फर्क पड़ता है मेरी प्राइस फिक्स होगी क्या नहीं जब इच्छा करेगा बढ़ा दूंगा जब इच्छा करेगा तो कम कर दूंगा मेरा प्राइस कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो गया लिखो प्राइस इज नॉट कॉन्स्टेंट मतलब प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होगी आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स होता है पर मोनोपोली में प्राइस फिक्स नहीं होगा ये जो तीन फीचर्स है तीन फीचर्स को फटाफट रिकैप करते हैं मोनोपोली किसे बोलते हैं जो मैं बेच रहा हूं वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है इसलिए मेरी क्या है मोनोपोली तो मैं क्या हो गया सिंगल सेलर सिंगल सेलर बोलते हैं मोनोपोली मेरे प्रोडक्ट का नेचर क्या है डिफरेंट है दूसरों से अलग है तभी तो मैं मोनोपोली हूं तो मेरा प्रोडक्ट को बोलेंगे डिफरेंसिएटेड प्रोडक्ट या हाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट मेरी अपनी मोनोपोली है मैं प्राइस को घटाऊं बढ़ाऊं कब घटाया कब बढ़ाया ये तो मेरी इच्छा पे है तो मेरी प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होगी लॉजिकली याद हो रहा है ना ओके तीन नंबर चार नंबर पॉइंट चार नंबर पॉइंट मोनोपोली ही अपने आप में फर्म है और अपने आप में इंडस्ट्री है मतलब नो डिफरेंस नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री मोनोपोली को तुम फॉर्म बोलो मोनोपोली को इंडस्ट्री बोलो बात एक ही है मोनोपोली को फॉर्म बोलो या मोनोपोली को इंडस्ट्री बोलो बात एक ही है क्योंकि इकलौता है तुम उसको फॉर्म बोल दो या तुम उसको इंडस्ट्री बोल दो एक ही बात है अरे भाई दो लोग रहेंगे तो दो नाम देंगे तुम तो एक ही है तो तुमको इंडस्ट्री बोल दे या तुमको फॉर्म बोल दे बात एक ही है इन मोनोपोली देर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री मैं आपको ना टोटल दस ग्यारह पॉइंट लिखाऊंगा फीचर्स में और हर साल तीन चार पॉइंट आपको फीचर से ही मिल जाएगा तो आपका तीन चार नंबर तो हो गया फीचर से मोनोपोली दस नंबर का है हाँ मोनोपोली दस नंबर का है दस नंबर में चार पांच नंबर तो फीचर से आ जाता है और हर साल पूछेगा ऐसा कोई भी ईयर जिस साल फीचर से क्वेश्चन आया ही नहीं आओ और ये जो दस बारह फीचर्स में आपको लिखवाऊंगा ना एक एक आप कोई भी बुक परचेज करो चार पांच फीचर से लिखा रहेगा उसके लिए फिर आपको दूसरा बुक परचेज करना होगा वहां पाँच छह लिखा रहेगा उसमें भी कॉमन निकल जाएगा लेकिन मैं आपको ना पूरा चार पांच बुक का जो रिफरेंस होता है उसको एक जगह लाकर मैं लिखवा दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स ईडीबी में आपका नोट्स बहुत मैटर करेगा आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा उससे ज्यादा मैटर करेगा क्लास का नोट्स समझ में आया मेरी बात ओके okay. तो मोनोपोली में क्या फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग होता है या सेम होता है क्योंकि इकलौता है इकलौता है उसको बड़ा भाई बोलो या छोटा भाई बोलो बात तो एक ही है फर्म क्या होता है एनी बड़ी फर्म क्या होता है फर्म क्या होता है कंपनी इंडस्ट्री क्या होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं एक बिजनेस यूनिट को फर्म बोलते हैं और सारे बिजनेस यूनिट को मिला दोगे इंडस्ट्री होगी तो फर्म इज ए सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट फर्म का डेफिनेशन लिख लो जिसको नहीं पता है फर्म इज सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट को फर्म बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म इज ए इंडस्ट्री कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म इज इंडस्ट्री आई थिंक आप लोग इकोनॉमिक्स मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो मेरे हिसाब से पढ़ रहे श्रुति आप पहले पढ़े हो ना फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ो सेकंड सेम ज्वाइन किए थे क्या थर्ड में ज्वाइन किए थे अच्छा मैं ना इकोनॉमिक्स तुम लोग पहले पढ़े हैं ना इकोनॉमिक्स ठीक है मैं ना कभी अगर मेरा थोड़ा सा टाइम रहा तो मैं एक से दो घंटे ना इकोनॉमिक्स का बेसिक्स लूंगा जहां पे व्हाट इज इकोनॉमिक्स से लेकर के जो होता है ना पूरा बेसिक्स उसका इकोनॉमिक्स साइंस आर्ट पैसिव इकोनॉमिक्स नरेटिव इकोनॉमिक पूरा एक बेसिक्स दो से ढाई घंटे का लेक्चर होगा वो कभी टाइम मिलेगा तो मैं अटेंड करवा दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा तो जब भी इच्छा का पढ़ लेना उससे बेनिफिट क्या मिलेगा जब भी आप देखो आज आप बीकॉम कर रहे हो सपोज कभी टीचिंग करने का मन किया तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा वहां फ़ायदा सी ए सी एस सी एम ए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे वहां भी फायदा हो जाएगा समझ रहे ना और कंपिटेटिव एग्जामिनेशन डालोगे वहां भी फायदा मिल जाएगा एम बी ए इन फाइनेंस करोगे तो वहां भी फायदा मिल जाएगा तो नॉलेज कभी आपका दाएँ बाएं जाने वाला नहीं है वो सीधा ही रहेगा और आपको हमेशा बेनिफिट देगा तो कभी टाइम मिलेगा ना तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स से लेकर के ढाई तीन घंटे क्लास लूंगा पूरा इकोनॉमिक का बेसिक्स क्लियर कर दूंगा ठीक है क्लियर हुआ तो फर्म और इंडस्ट्री क्या होते हैं बराबर होते हैं चार पांच नंबर पॉइंट मैं इकलौता सेलर हूं सुनो मैं इकलौता सेलर हूं मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरा कंप्यूटर ना कोई आए भाई अगर मैं मोनोपोली हूं तो राजा तो मैं ही हूं मार्केट का प्राइस बढ़ाऊं या घटाऊं मैं ही डिसाइड करने वाला हूं तो कभी भी मैं चाहूंगा कि मेरी मोनोपोली खत्म हो कभी मैं चाहूंगा क्या नहीं मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है मेरा जो मोनोपोली का अस्तित्व है जो एग्जिस्टेंस है वो मेंटेन रहे आया बस तो मोनोपोली कभी भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा सेलर आ जाए इस मार्केट में सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा लूंगा कॉपीराइट ले लूंगा पेटेंट ले लूंगा ट्रेडमार्क ले लूंगा दूसरा कोई अगर आने की कोशिश भी करेगा तुरंत उसके ऊपर केस ठोक दूंगा अगर मैंने मान लो एक नोट्स बनाया अब वो नोट्स बहुत नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट तो तो का रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है कॉपीराइट ट्रेडमार्क सारे की सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेकर रखा है क्यों लेकर कर रखा है, कर रखा है? कि इस पूरे मार्केट में मैं ही रहूं कोई दूसरा बंदा ना आ जाए

आया को, कोई कोई कॉपी नहीं कर सकता इसलिए इसलिए तो आंख बंद करके बेचते रहता है हर में सबको रहता है किसी कंपनी की चाइना चाइना तो चायना तो कॉपी करने में मास्टर है एक बार उसको बोला ना कॉपी करें बनाए नहीं बना सकता क्योंकि किसकी राइट पूरी की पूरी मोनोपोली है ट्रेड बैरियर ट्रेड बैरियर मोनोपोली कभी भी नहीं चाहेगा मतलब यहां पे ब्रेकर लिखो नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा होगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट मोनोपोली में कोई भी फ्री एंट्री एग्जिट नहीं होता है। क्योंकि बीइंग ए मोनोपोली मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा कंपटीटर ना कोई रहे इसके लिए मैं अपने प्रोडक्ट को कॉपीराइट ले लिया पेटेंट ट्रेडमार्क सब रजिस्टर्ड करवा लिया कल को अगर कोई मेरा प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश भी करेगा मैं उसके ऊपर केस ठोक करके बिजनेस बंद करा दूंगा इसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर। क्या बोलते हैं ट्रेड बैरियर, नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट छह नंबर अच्छा जब कोई दूसरा सेलर है ही नहीं तो कंपटीशन है किसी के साथ है क्या नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया नो कंपटीशन या इसी को अपने बोलते हैं अपसेंस ऑफ कंपटीशन अपसेंस ऑफ कंपटीशन सात नंबर मोनोपोली में ना लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब मोनोपोली कभी भी प्राइस ज्यादा बढ़ाता है ना तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस जब कम करता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बिग बिलियन डे में बिग बिलियन डे में आईफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जैसे ही आईफोन वाला प्राइस कम करता है बिग बिलियन डे में जैसे ही आईफोन वाला प्राइस कम करता है, सत्तर हजार का आईफोन अगर साठ पचास हजार मिलता है चालीस हजार मिलता है लोग पागलों की तरह खरीदना स्टार्ट कर देते हैं समझे ना सी एस सी है तुमको पूरे कोलकाता में सीएससी का मोनोपोली है अगर सी एस सी आपको दस रुपया यूनिट के जगह पे पंद्रह रुपया यूनिट कहने का मतलब आपका बिल ज्यादा आ रहा है अगर सी वाला आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करोगे या ज्यादा यूज करोगे क्या बोलो कम या ज्यादा कम अगर भाई बिल मेरा ज्यादा आ रहा है तो मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का कंजन कम करूंगा बिल कम आ रहा है तो पड़ोसी को भी एक्स्ट्रा लाइट दे दूंगा तू भी चला आया सबने तो ज्यादा यूज करेंगे तो जब मोनोपोली प्राइस कम करेगा तो डिमांड ज्यादा होगा जब मोनोपोली प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड कम होगा तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगा प्राइस के घटने से डिमांड ज्यादा होगा इसी को अपने बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड तो जब क्या मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है आंसर इज यस सी फाउंडेशन क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन ने क्वेश्चन पूछा था क्या लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है मोनोपोली में सब लोग मार के आया तो नो 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 क्योंकि सबको तो ये लगता है कि मोनोपोली है वो प्राइस कुछ भी रखेगा लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे सबके दिमाग में ही चलता मोनोपोली का मतलब कभी भी नेसेसरी गुड्स नहीं होता समझ लो दिमाग में दिमाग में जहन में चीज डाल लो अगर मोनोपोली नेसेसरी गुड्स होता तो गवर्नमेंट उसको मोनोपोली करता ही नहीं मेरा मतलब क्या साग सब्जी पे मोनोपोली है किसी का कपड़े पे है किसी का मोनोपोली खाने पीने किसी का है मोनोपोली नहीं है आई क्या जोरी है हमारे पास आईफोन ही रहे जोरी है क्या हम नॉर्मल फोन से भी काम चला सकते हैं तो जो हमारे लिए उतना जरूरत नहीं है ना गवर्नमेंट उसे मोनोपोली होने नहीं देती है आज सी वाले को मोनोपोली दिया गया है ना तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट निगाह नहीं रखी है पूरा प्रॉपर निगाह लगा कर रखी है और CSE को बोल के रखी है ज्यादा ताम झाम करोगे ना तो जो टेंडर तुमको मिला है ना वो टेंडर किसी और को ट्रांसफर कर देंगे हो गया मोनोपोली तुम्हारा तो सीएससी वाला भी देखना एकदम सोच समझ के प्राइस बढ़ाता है ज्यादा बढ़ा देगा गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं ये जो संजीव गोयन का ग्रुप की बात कर रहा हो तो इनको जो टेंडर मिला है वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है कल को ये तीन पांच किए इनकी मोनोपोली गई किसी और को दे देगा और रिलायंस तो चाहता है कब संजीव गोयन का ग्रुप निकले हावड़ा तक तो पहुंच पहुंच ही गया अरे रिलायंस हावड़ा तक तो पहुंच ही गया आया सब ना वो तो खुद ही चाहता है कितना टाइम लगेगा नदी को क्रॉस करने में <laughs> वो तो चाहता है कि संजीव गोइन का ग्रुप कब निकले और मेरी मोनोपोली आ जाए इसे सीएससी वाला भी एकदम शांत रहता है बेचारा ज्यादा प्राइस वाइस नहीं बढ़ाता है तो जिसकी भी मोनोपोली है ना वो भी एकदम शांति में रहता है ज्यादा तीन पाँच नहीं करेगा अब आईफोन वाला का मोनोपोली वो कुछ भी प्राइस गवर्नमेंट को क्या लेना देना है जरूरी है क्या है जीवन में आईफोन लेकिन अगर सीएससी हमारे लिए जरूरी है तो गवर्नमेंट वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है तो जीवन के लिए जो नेसेसरी है अगर उसमें मोनोपोली हो भी जाता है तो गवर्नमेंट का निगाह प्रॉपर है तो ज्यादा तीन पाँच नहीं होगा और इसके अलावा जहां गवर्नमेंट का निगाह नहीं है तो तुम्हारे लिए जरूरत ही नहीं है जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको पता है कोई एक मेडिसिन होती है ना जो मेडिसिन होती है मान लो एक कंपनी है उसने एक मेडिसिन का इन्वेंशन किया और बोलता बीपी ठीक हो जाएगा शुगर ठीक हो जाएगा तो अब तो वो अपना पेटेंट राइट कॉपी राइट लेगा ले धड़ल्ले से प्राइस वो कम रखेगा ज्यादा रखेगा भाई अगर मैं क्लेम करता हूं कि इस दवाई से इस दवाई से बीपी ठीक हो जाएगा शुगर ठीक हो जाएगा कैंसर ठीक हो जाएगा तो मैं तो रजिस्टर्ड करवा के क्या ले लिया मोनोपोली अब मैं प्राइस कम रखूंगा या ज्यादा रखूंगा ज्यादा रखूंगा आपको लगता है गवर्नमेंट इसको मोनोपोली होने देगी अरे तुम रजिस्टर्ड किसके पास कराओगे बोलता हम करेंगे नहीं रजिस्टर्ड <laughs> तुम करोगे कर... अरे तुम मोनोपोली कहाँ लोगे तुम मोनोपोली का रजिस्ट्रेशन किससे लोगे गवर्नमेंट से हम करेंगे नहीं लो मोनोपोली का रजिस्ट्रेशन तो। तुम अच्छा जब तुम रजिस्ट्रेशन करने आओगे तो फार्मूला साथ में लेकर आओगे अरे फार्मूला तो साथ में लेकर आओगे मार देंगे जनरिक के नाम पे करो मोनोपोली तुम तो याद रखना मोनोपोली का मतलब कभी भी ये नहीं होता है नेसेसरी गुड्स इसलिए मोनोपोली जब भी प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड घटेगा प्राइस कम करेगा तो डिमांड ज्यादा ठीक है तो क्या मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है आंसर इज यस हमेशा एग्जिस्ट करता है अगर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है तो कर्व लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा होता है पॉजिटिवली स्लोप या नेगेटिवली स्लोप लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा होता पॉजिटिवली या निगेटिवली सुनो देखिए प्राइस ज्यादा डिमांड कम प्राइस कम डिमांड ज्यादा रिलेशन कैसा नेगेटिव रिलेशन कैसा नेगेटिव तो अगर रिलेशन नेगेटिव है तो कर्व भी कैसा होगा नेगेटिवली स्लोप अगर रिलेशनशिप नेगेटिवली है तो कर्व भी कैसा होगा नेगेटिवली स्लोप आया बस हमने तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यहां पे कि डिमांड नेगेटिवली डिमांड स्लोप्ड डिमांड कर मोनोपोली का डिमांड कैसा होता है मोनोपोली का डिमांड कैसा होता है नेगेटिवली स्लोप लिख यहां बना लो भी बना भी लो ये जो डिमांड कर्व है ये मोनोपोली का है इसी को अपने बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर या अपने सिंपली डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर बोलते हैं देख लो भाई प्राइस ज्यादा डिमांड कम प्राइस कम डिमांड ज्यादा एक ऊपर एक नीचे हो रहा है ना और प्राइस ज्यादा डिमांड कम प्राइस कम डिमांड ज्यादा तो रिलेशन कैसा हो रहा है इनडायरेक्ट नेगेटिव तो कर्व भी कैसा बनेगा नेगेटिव सिंपल तो जैसा रिलेशन वैसा कर्व अगर रिलेशन नेगेटिव है तो कर्व भी नेगेटिव ही होगा क्लियर हो रहा है नेक्स्ट लिखो नौ नंबर पॉइंट बता इसका कौन सा पॉइंट छूट गया लिखा है ना बता कौन सा पॉइंट छूट गया एक इकोनॉमिक ऑफ स्केल और प्राइस मेकर मोनोपोली क्या है मोनोपोली क्या है प्राइस मेकर हजार बार ये क्वेश्चन आ चुका है इतना बार ये क्वेश्चन आ चुका है दिमाग खराब हो गया है पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के भाई मैं मोनोपोली है तो प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा मैं डिसाइड करूंगा अगर मेरी मोनोपोली है तो प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा मैं अपने आप में प्राइस मेकर भी हूं प्राइस सेटर भी हूं और प्राइस टेकर भी हूं प्राइस मेकर भी हूं या प्राइस सेटर भी हूं और प्राइस टेकर भी हूं मैंने बोला सौ रुपया प्राइस मैंने बोला ठीक है एक्सेप्ट करते हैं मैं ही बोल रहा हूँ सौ रुपया और मैं ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ समझ रहे हो मैंने बोला आज मन कर रहा सौ रुपया चार्ज करने का दिल से बोलता है कर लो एक्सेप्ट <laughs> कर लो सौ रुपया चार्ज तो मोनोपोली अपने आप अप में प्राइस मेकर भी है और अपने आप अप में प्राइस एक्सेप्टर भी है पर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा है मोनोपोली प्राइस मेकर ऑप्शन ए प्राइस एक्सेप्टर ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आंसर ए होगा प्राइस मेकर मोनोपोली क्या है प्राइस मेकर समझ रहे दीदी कितना गलती हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट कंट्रोल ओवर दप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट बींग ए मोनोपोली प्राइस भी मैंने डिसाइड किया तो सप्लाई भी कौन डिसाइड करेगा मैं डिसाइड करूंगा बीइंग मोनोपोली मेरा तो मोनोपोली है ना तो प्राइस भी मैं ही डिसाइड करूंगा और मार्केट में हजार क्वांटिटी का सप्लाई होगा दस हजार क्वांटिटी का सप्लाई होगा या पांच सौ यूनिट का सप्लाई होगा ये कौन डिसाइड करेगा मैं डिसाइड तो मोनोपोली का प्रोडक्ट के सप्लाई पर हंड्रेड कंट्रोल होता है फिर से बोल रहा हूं मोनोपोली का मोनोपोलिस्ट जो फर्म होती है उसका सप्लाई पर 100% परसेंट कंट्रोल होता है 99 नहीं 100% परसेंट कंट्रोल 100 यूनिट की सप्लाई होगी हजार की सप्लाई होगी या दस हजार की सप्लाई होगी ये कौन डिसाइड करता है मोनोपोली हेलो मैं मोनोपोली प्राइस कौन डिसाइड करेगा मैं सप्लाई कौन डिसाइड करेगा मैं मैं अपने आप में फर्म मैं अपने आप में इंडस्ट्री बात कर रही ठीक है एक लास्ट लिखना प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसी को अपने बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइसेस में भेदभाव प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है प्राइसेस में भेदभाव ठीक है भी जाएगा ठीक 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 है 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 कोई बात थैंक यू हम ठीक 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 है ठीक है ठीक है thank you, thank you. ना हम तो दे दिया था वो जो आपसे बात हुआ था था वो हम तो दे दिया आप तो ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है? करूंगा सर क्लास में क्लास में क्लास के बाद मुबारक ठीक है कर जाना है जल जोर चल रहा अच्छा तुम्हारा हाँ तुम्हारा तो स्टेटस ही दिखते रहते हैं ये दीपिका पानी का होगा क्या प्रेजेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसेस में भेदभाव मोनोपोली है ना सुनो मोनोपोली है प्राइस सेटर कौन है मैं तो मैं कभी किसी से ज्यादा लेता हूं कभी किसी से कम लेता हूं टेंशन ना लो सीएससी को देख लो ना सीएससी बोलता है घर वालों के लिए पैसा कम अगर तुमको बिजनेस करना है बिजनेस मान लो तुम्हें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा रहे हो तो लाइट लेने के लिए कहाँ मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए कहाँ जाओगे सीएससी के पास जाओगे तो अगर डोमेस्टिक से दस रुपया चार्ज कर रहा है

हम और आपका जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना उसकी यूनिट कम है आठ रुपये दस रुपये एट द सेम टाइम अगर वही बिजनेस यूनिट में बिजनेस यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया सोलह रुपये अट्ठारह रुपए ऐसे करके मतलब डबल ऑलमोस्ट डबल फिर यही सी यही वाला स्कूल में जाता है बोलता आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं प्राइस कम रखेंगे ट्रस्ट के पास जाता है बोलता अच्छा कोई बात नहीं आपसे लेंगे ही नहीं हाँ चैरिटेबल ट्रस्ट होता है ना अनाथाला से बोलता आपसे लेंगे नहीं आप तो और भी महान काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो पाप किए तो आपसे साइड हो जाएगा करके आया तो अलग, अलग अलग लोगों से अलग अलग डोमेस्टिक लोग से अलग प्राइस बिजनेस यूनिट से अलग प्राइस कॉलेज स्कूल से अलग प्राइस ट्रस्ट वालों से अलग प्राइस हमारी इंडियन रेलवे का मोनोपोली है ढाई साल का बच्चा है कोई बात नहीं है मम्मी गोदी में बैठ के जाएगा कोई पैसा नहीं लगेगा उसका हा है सब ढाई साल के ऊपर लगा हाफ टिकट हम लोग एडल्ट है हमारा फुल टिकट है ना पूरा एकदम टॉप पे पहुंचाएगा ऊपर वाला सीट हम लोग को दे देगा सीनियर सीनियर उनका भी हाफ टिकट है ना? उनका प्राइस कम रहता। हम तो चला कोई बात है, यंग लोग खड़ा खड़ा होकर कोई दिक्कत नहीं है तो अलग ही प्राइस इंडिया देख लो ना हमारा इंडियन रेलवे भी बच्चा से अलग बूढ़ा से अलग हम लोगों से अलग है ना फीमेल और मेल में भी प्रॉब्लम है फीमेल <laughs> लोग को लोअर मेल लोग को <laughs> हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अच्छा यहाँ पे नारी लोग नहीं आते ना देखो गुस्सा हो रही है <laughs> नहीं समझे इसका समझ में नहीं आया <laughs> क्लियर हुआ ना तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग करता है मतलब इंडियन रेलवे भी करता है ये भी करता तुम्हारे यहाँ पे देखो आइनोक्स देखो ना आइनोक्स वाला है ना आइनोक्स वाला ये भी देखो क्या करता है कम प्राइस दोगे मतलब आगे बैठ ज्यादा प्राइस देगा सिल्वर और प्राइस देगा गोल्ड बोलता बहुत पैसा है डायमंड है ना बहुत पैसा है तो डायमंड ये लोग भी अलग अलग लिख करते हैं आई नो नोस अलग देख लो छोटा जो सस्ता टिकट आगे बैठा देगा ऐसे कर देखोगे पूरा गर्दन दर्द करेगा ज्यादा पेमेंट करोगे पीछे बैठा देगा अच्छे से देखो पूरा व्यू अच्छे से आएगा तो अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते रहता है ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन कर पाएगा हेलो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन कर पाएगा जिसकी मोनोपोली है जिसकी मोनोपोली नहीं है अगर वो करने की कोशिश भी किया तो आप क्या बोलोगे तुम्हारे जैसे हजारों हैं जाओ हटो हम कहीं और से ले लेंगे तुम्हारे घर के बगल में मोदी खाना वाला अगर सात रुपये का मैगी आठ रुपये मांगने की कोशिश करे तो आप तो बोलोगे ना कि तुमको हम ला दे रहे साथ में तुम क्या आठ में हमको बेचेगा हम तुमको खुद ला साथ में दे रहे बगल से ले लोग जा करके कर पाएगा क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा लेकिन सोचो पूरे दस किलोमीटर में एक ही मोदी खाना की दुकान है अगर वो सोलह रुपये भी चार्ज करेगा ना तो खुशी खुशी बीस रुपया का नोट दोगे कि चार रुपया भी रख लेना मैगी पहले दे दे मेरे को क्योंकि पूरे दस किलोमीटर में मैगी बेचने वाला वही है बेचारा सिंपल समझ में आया तो मोनोपोली वही कर पाए सॉरी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वही कर पाएगा जिसकी क्या होगी मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइसेस पर भेदभाव अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस लास्ट हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट देखो मोनोपोली क्या करता है ना ये लोग बल्क में प्रोडक्शन करते हैं मोनोपोली बल्क में प्रोडक्शन करेगा जब प्रोडक्शन बल्क में करेगा पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी या कम आएगी जब आप प्रोडक्शन बल्क में करोगे मतलब आपने एक बार में एक लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी सिंपली समझो ना आप एक कपड़े लेने जाते हो आप एक कपड़े लेने जाते हो कोई डिस्काउंट नहीं आप बोलते हो भैया पांच टू लेंगे तो बोले रुकिए पहले चाय पी लीजिए फिर डिस्कस कीजिएगा है ना तो इज्जत देना स्टार्ट कर देते हैं गलती से आपने बोला भैया पूरा खानदान राम खानदान है पचास साठ लेंगे बोलता कोल्ड ड्रिंक पी लीजिएगा साथ में तो स्केल का सिंपल मतलब होता है। आप एक कपड़े लेने जाओगे, आएगी। लेकिन उसकी कॉस्ट कम आएगी फॉर एग्जाम्पल रफली से पकड़ो ना एक जींस का कॉस्ट है दो तो आप अगर एक लोगे दो पड़ेगा आपने बोला भैया दस लेंगे हिसाब से बताओ तो बोलता पंद्रह सो कर दीजिएगा आप बोला छोड़ो बारह सो करो तो आपने 1200 के हिसाब से 10 ले लिया कितना पड़ गया 12000 तो एक जींस में आपने कितना कॉस्ट सेव कर लिया अगर एक लेते 2000 12 लिया तो पर यूनिट कॉस्ट कितना कर दिया सॉरी 10 लिया तो पर यूनिट कॉस्ट कितना कर दिया 12 आया ना तो एक जीन्स लेते 2000 में लेकिन आपने बोला कितना लेंगे दस जीन्स लेंगे तो बोला कोई बात नहीं भैया बारह का रेट लगा देंगे बारह सो कितना पड़ गया बारह हजार पड़ गया तो आपने देखना आठ सौ रुपए का सेविंग कर लिया ना पर जीस में इसी आठ सौ को बोलते हैं अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जियो वाला यही कर रहे हैं एयरटेल को क्यों परेशान करके रखे जियो वाला एयरटेल इतना क्यों परेशान है इसी वजह से परेशान है क्योंकि मार्केट किसका बड़ा है जियो या एयरटेल जियो का मार्केट बड़ा है नंबर ऑफ कस्टमर भी ज्यादा है एवरेज एवरेज कवरेज एरिया 90 परसेंट एयरटेल का एवरेज कवरेज एरिया 99 परसेंट है जियो का तो 9 परसेंट एरिया कौन ज्यादा कवर कर रहा है जियो तो जो एरिया ज्यादा कवर करेगा उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा तो जियो का प्रोडक्शन बल्क में होता है मतलब एयरटेल कंपेयर में जियो का प्रोडक्शन बल्क में होता है इसलिए जियो की पर यूनिट कॉस्ट कम आती है जब जियो की पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो जियो का प्राइस भी कम रहेगा और एयरटेल बोलता है बेचारा हम तो 90 परसेंट में है तो मेरा तो पर यूनिट कॉस्ट एयरटेल का पर यूनिट कॉस्ट जियो के कंपेयर में ज्यादा है इसलिए एयरटेल का देखना हर रिचार्ज में पचास रुपया सौ रुपए ज्यादा है और जियो का हर रिचार्ज पचास रुपया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का खेला है जियो का कवरेज एरिया ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम एयरटेल का कवरेज एरिया कम प्रोडक्शन कम पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वजह से जियो का क्या हो गया है एक काइंड ऑफ मोनोपोली क्योंकि पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कौन विन, विनर कौन है जीओ. जीओ आपका प्राइस सेटर है आप एक चीज देखते होंगे जो स्कीम लाता है लोग वही फॉलो करते हैं तो किंग कौन है जीओ. किसके से किंग हुआ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वजह से किंग हुआ तो मोनोपोली में ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है क्योंकि प्रोडक्शन बल्क में करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो इनकी और मोनोपोली बढ़ेगी एशियन पेंट का एग्जाम्पल देख लो पेंट मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की एशियन बर्जर, बर्जर का है तो बल्क प्रोडक्शन किसका होगा एशियन का होगा पर यूनिट कॉस्ट किसकी कम आएगी एशियन की आएगी तो कल को अगर बर्जर बोलता है हम दाम बढ़ा रहे हैं बोलता है, तुम बढ़ा दो तो हम कम कर देंगे तुम भी कस्टमर मेरे पास आ जाएगा बर्जेरा शांत बैठा रहता है बोलता है, बस मजाक किए थे क्यों सीरियस हो रहे हैं तो एशियन ये एशियन में स्केल का तो मोनोपोली में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाया ही जाता है फटाफट आ जाते चलो मोनोपोली में सेलर इकलौता या दो चाटो है एक सेलर सिंगल सेलर मोनोपोली का जो प्रोडक्ट है वो सारे लोगों की तरह सेम है या हटकर है अलग है अलग है प्रोडक्ट का जो नेचर है वो कैसा है डिफरेंसिएटेड मतलब जैसा मैं सेल कर रहा हूं वैसा कोई सेल नहीं कर रहा ठीक है मोनोपोली में क्या प्राइस फिक्स होता है आंसर इज नो मोनोपोली इच्छा करेगा बढ़ा देगा इच्छा करेगा तो कम कर देगा मोनोपोली अपने आप अप में क्या है फर्म और अपने आप अप में इंडस्ट्री मतलब मोनोपोली में कोई डिफरेंस नहीं है फर्म और इंडस्ट्री में अच्छा क्या मोनोपोली में ट्रेड बैरियर पाया जाता है हाँ क्योंकि अगर मैं अगर मैं मोनोपोली हूं तो मैंने अपने प्रोडक्ट का क्या करवाया है कॉपी राइट ट्रेडमार्क पेटेंट करवाया है कल को कोई मेरे प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश करेगा मैं क्या कर दूंगा केस जैसे ही केस कर दूंगा उसका बिजनेस हो जाएगा बंद तो मेरा कंपटीशन खत्म तो मोनोपोली में कोई भी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट नहीं होता है ठीक है मतलब आप ट्रेड बैरियर है कोई आ नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट ना लाने की कोशिश करे देखो भाई गवर्नमेंट बड़ी खतरनाक चीज है गवर... एक वर्ड है लॉ में पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट नाम पे कुछ भी कर सकती है तो अलग बात है 99 केस में यही है कि अगर मेरे पास पेटेंट राइट है तो मेरा बिजनेस कोई और नहीं ले सकता सिंपल तो मोनोपोली में ट्रेड बैरियर होता है अच्छा ट्रेड बैरियर है तो कोई कंपटीशन किसी से है नहीं इकलौता मैं मई मई मैं राजा मई किंग जो चाहे वो डिसाइड करूंगा ठीक है क्या मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है हाँ मोनोपोली में लॉ ऑफ डिमांड पाया जाता है अगर मोनोपोलीम लॉ ऑफ डिमांड पाया जा रहा है तो कर्व कैसा होगा डाउनवर्ड स्लो क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशन कैसा होता है नेगेटिव तो कर्व भी कैसा होगा नेगेटिव ठीक है क्या मोनोपोली प्राइस मेकर है? आंसर यस मोनोपोली प्राइस मेकर है अच्छा क्या मोनोपोली का प्रोडक्ट के सप्लाई पे कंट्रोल है यस हंड्रेड कंट्रोल है सप्लाई कम होगा या ज्यादा होगा कौन डिसाइड करेगा मोनोपोली ठीक है क्या मोनोपोली में भेदभाव होता है प्राइसेस का हाँ होता है मोनोपोली के पास पावर है मोनोपोली हैज ए पावर या ऐसे बोलो मोनोपोली हैज ओनली पावर मोनोपोली के पास मतलब सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली के पास ही पावर है कि वो प्राइसेस में भेदभाव कर सके कल को कोई और सेलर करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा लास्ट में होता है कि मोनोपोली में इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रेजेंट होता है पाया जाता है फीचर्स क्लियर है अभी, अभी एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ फटाफट लिखो तो लिखो तो लिखो डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली मैं लिखूंगा नहीं आप लोग लिखिएगा ऑफ मोनोपोली लाइव एट होम स्टूडेंट कुछ भी दिक्कत हो पूछिएगा प्लीज आप लोग पैसा देके पढ़ रहे हैं आपने जो फीस दिया हो, आपके माँ बाप का मेहनत का है मैं याद दिला दे रहा हूं <laughs> Until, आपने चोरी चोरी का पैसा लाके फीस दिया हो तो सो जाओ <laughs> लेकिन मां बाप का पैसा लगाया तो इस्तेमाल करो उसका पूछो कुछ भी डाउट हो रहा है डेफिनेशन लिखो मोनोपोली रिफर्स टू अ मार्केट प्लेस और सिचुएशन मोनोपोली रिफर्स टू अ मार्केट प्लेस और सिचुएशन मोनोपोली रिफर्स टू अ मार्केट प्लेस और सिचुएशंस वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर मैं फीचर से ही डेफिनेशन बना रहा हूं वेयर देर इज ए सिंगल सेलर वेयर देर इज ए सिंगल सेलर सेलिंग सेलिंग हेट्रोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेलिंग हेट्रोजीनियस और डिफ्रेंसिएटेड प्रोडक्ट सेलिंग हाइट्रोजीनियस और डिफ्रेंसिएटेड प्रोडक्ट एट ए सर्टन प्राइस और एक फीचर्स में लिखना भूल गया था नो क्लोज सब्सिट्यूट वाला मैं लिखा एंड एट अ सर्टन प्राइस एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट हां मैं यहां पर लिखना भूल गया एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट available in the market and no close substitute available in the market and no close substitute available in the market and no close substitute available in the market suniye jo mai bech raha hu kya waisa product koi aur bech raha hai nahi to mere product ka koi bhi substitute nahi hai Substitutes का मतलब क्या होता मेरे से मिलता-जुलता? अगर मैं कोको कोला कोको कोला नहीं मिलता है तो लोग पी के काम चला लेते मैं टी बेच रहा हूँ टी नहीं मिल रहा तो तो लो लोग पी के काम चला लेते आया बस हमने? तो substitutes available है बट मोनोपोली केस में कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है देर इज क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल इन डेफिनेशन भी क्लियर हो गया फीचर्स भी क्लियर हो एक बार पूरा थ्रू करो मेरे से पूछो एक बार सारा डेफिनेशन और फीचर्स को गोथ्रू करो और मेरे से पूछो क्या प्रॉब्लम हो रही है, आ, आ, रही है। करते हैं। आ जाओ लिखो प्राइस एंड आउटपुट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली अभी बेसिक चल रहा ना थोड़ा सा क्लास का लेंथ बढ़ेगा बाद में सब बराबर हो जाएगा टेंशन ना लो ठीक है प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली अरे हर्ष तू तो जानता है ना उन लोगों को भूमि और पृथ्वी को वही लोग नीचे देखना अरे ये पॉपुलर है पूरा गर्ल्स लोग में जा जल्दी जा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली ठीक है देखिए एक कर्व बनाते हैं बनाओ साथ में कर्व बनाओ मेरे वाई एक्सिस पर प्राइस होगा और एक्स एक्सिस पर आउटपुट होगा मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होगा पॉजिटिवली स्लोप या डिमांड या नेगेटिवली स्लोप मतलब डाउनवर्ड स्लोप होगा ठीक है ये आपका AR और कर्व को अपने बोलते हैं डिमांड कर आर सर ए आर कैसे मैं थोड़ा सा थोड़ा सा याद दिला रहा हूं आपने रेवेन्यू चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा होगा रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर ए आर एम आर वेन प्राइस इज फिक्स और एक पड़ा होगा रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर वेरिएगा मैं इसको समझाने के लिए ना एक टेबल बना रहा हूं आपको नोट डाउन नहीं करना मैं समझा रहा हूं खाली समझो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर ए आर एम आर वेन प्राइस इज फिक्स तो सिंपली देख लो गया यूनिट योग टी आर ए आर और एम आर ठीक है सिंपल एक दो तीन चार पांच ठीक है अब प्राइस फिक्स थी ना हेलो प्राइस फिक्स थी तो मैं सबका प्राइस दस रुपया मान लेता हूं तो टीआर का फॉर्मूला क्या होता है टीआर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी अरे टोटल रेवेन्यू फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी तो एक ये क्वांटिटी हो होगी आपका तो क्वांटिटी प्राइस करेंगे क्या मिल जाएगा ए आर तो वन यूनिट दस रुपया करके टोटल रेवेन्यू कितना होगा दस रुपया दो यूनिट दस रुपया करके टोटल रेवेन्यू बीस यहाँ पर जाएगा तीस ये होगा गया चालीस और ये हो गया पचास फॉर्मूला क्या प्राइस इंटू क्वान्टिटी एआर का फार्मूला क्या है ए आर का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन क्वांटिटी एवरेज हमेशा कैसे निकाला जाता है टोटल का क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे मिल जाएगा एवरेज है ना तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी तो 10 डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू टेन 10 थर्टी डिड बाई थ्रीवल टू टेन फोर्टी डिवाइडेड फोर इक्वल टू टेन और फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल टू टेन ठीक है ये होगा ए आर एम आर का मतलब क्या होता है एम आर का मतलब एडिशनल एक यूनिट सुनो एक यूनिट बेच करके दस रुपया आया तो जीरो यूनिट बेच करके जीरो आया होगा अरे एक के पहले क्या होगा जीरो एक के पहले क्या होगा जीरो तो रेवेन्यू भी क्या होगा जीरो अब जीरो से क्या हो गया एक तो रेवेन्यू जीरो से कितना हो गया टेन तो कितना बढ़ गया अरे जीरो से टेन बढ़ा ना तो कितना बढ़ेगा टेन फिर टेन से कितना बढ़ गया ट्वेंटी तो कितना बढ़ेगा टेन फिर ट्वेंटी से कितना बढ़ गया थर्टी कितना बढ़ा थर्ट थर्टी से हो गया फोर्टी कितना बढ़ेगा कितना बढ़ेगा टेन पढ़े थे ना देखो ना प्राइस फिक्स होती अपने बनाते थे डायग्राम ऐसे सिंपल एक डायग्राम बनाते थे. ये प्राइस होता था और लिखते थे प्राइस इक्वल टू ए आर और एम आर याद आ रहा है ना तो जब प्राइस फिक्स होगा जब भी प्राइस फिक्स होगा एर तो इक्वल टू एम आर एम्र. अब उल्टा कर लो अब एक बार उल्टा कर लो कि प्राइस फिक्स नहीं है एक बार उल्टा कर लेते प्राइस फिक्स नहीं है ये हो गया क्वांटिटी टी आर ए आर और एम आर वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे प्राइस मान लेते पहले प्राइस थी दस रुपया अब हो गई आठ रुपया छह रुपया चार रुपया और दो रुपया दो दो रुपया प्राइस हटा दिया मैंने ठीक है तो टी आर क्या हो गया प्राइस इंटू क्वानिटी मिनट लो दस टू इंटू एट कितना अब एआर का फॉर्मूला क्या होता है टी आर अपन क्वान्टिटी तो टेन डिवाइडेड बाई वन कितना हो गया टेन सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया एट और सिंपली मैं बताऊं ए आर का दूसरा नाम होता है प्राइस जितना ए आर होता है उतना ही प्राइस होता है एवरेज रेवेन्यू बोल दो प्राइस बोल दो बात एक ही है देख लो एटीन डिवाइडेड बाई थ्री कितना हो जाएगा सिक्स तो देख लो यहाँ भी प्राइस टेन इधर भी प्राइस टेन इधर भी एट इधर भी एट इधर भी सिक्स इधर भी सिक्स ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा टू मार्जिन कितना होगा पहला होगा दस फिर ये दस से कितना हो गया सिक्सटीन तो कितना बढ़ गया सिक्स सिक्सटीन से कितना हो गया टू कितना बढ़ गया दो एटीन से माइनस टू सिक्सटीन से टेन माइनस तो आप एक चीज देख रहे हो हम अच्छा माइनस सिक्स होगा ना अच्छा अब एक चीज आप देख रहे हो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है एवरेज भी घट रहा है और मार्जिनल भी घट रहा है एवरेज भी घट रहा है और मार्जिनल भी घट रहा है तो कर्व कैसा बनेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली अगर हम क्वांटिटी का सेल बढ़ा रहे हैं तो मेरा रेवेन्यू घट रहा है या बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना मेरा एवरेज रेवेन्यू घट रहा है तो जब एवरेज रेवेन्यू घट रहा है तो कर्व कैसा बनेगा नेगेटिवली इसलिए मैंने ये वाला कर्व नेगेटिवली बनाया कोई दिक्कत याद नहीं करवा रहा हूं समझा रहा हूं ये कर्व मैंने जानबूझ के नहीं बनाया कि मेरा मन कर दिया नेगेटिव तो बना दिया नेगेटिव कल को मन करेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव नहीं इकोनॉमिक्स बोलता है ठीक है तो जैसे जैसे मैं अपने आउटपुट को बढ़ाऊंगा सेल्स को बढ़ाऊंगा मेरा ए आर घटते चला जाएगा इसलिए कर्व कैसा बनेगा नेगेटिवली अच्छा इसी एआर को अपने डिमांड कर्व बोलेंगे जस्ट बिकॉज कि अगर मोनोपोली प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम करेगा तो डिमांड ज्यादा होगा दैट इज इज कर्व डाउनवर्ड तो सेम कर्व करआर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है सेम कर्व डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है क्लियर है भाई ये ए आर डिमांड कर्व क्लियर है ना कि सेम कर्व को डिमांड क्यों बोलते हैं और सेम कर्व को ए आर क्यों बोलते है? इसलिए बोलते कि जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा टेबल देख लो जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ा रहा था मेरा एवरेज रेवेन्यू घटते चला जा रहा था क्लियर हुआ स्लो बात मत कर दोनों ए, बात मत कर, ठीक है अब नेक्स्ट देखना थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा समझना कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या समझना यहां पे आप देखिए चीज दोनों स्टार्ट करेंगे सेम प्लेस से ए आर बी टेन और एम आर बी टेन स्टार्ट किया सेम प्लेस से बी बी और फिर ये दस से कितना हो गया दस से कितना हो गया और ये से कितना हो गया ये से हो गया आठ मतलब दो घटा और ये दस से हो गया छ कितना घटा चार घटा ठीक है ना तो ज्यादा तेजी से कौन घटेगा एम आर तो बड़ा कौन होगा एम आर या ए आर आर हमेशा बड़ा हो देखो सेकेंड यूनिट पर ए आर एट है और एट द सेम टाइम सेकेंड यूनिट पर एमआर तो एआर बोलता हम आठ से हो जाएंगे तो कितना गटेगा? दो एम आर बोलता हम छह से हो जाएंगे दो तो कितना घटा एक चीज आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ए आर भी घटेगा और एम आर घटेगा लेकिन ज्यादा तेजी से कौन घटेगा एम आर मतलब एम आर छोटा होगा और ए आर बड़ा होगा टेबल तो समझ में आ रहा है अब एक चीज आप कोशिश कर रहे हो इनके बीच में देखना कोशिश करना 50% परसेंट ज्यादा गैप आया नहीं गैप आ गया, पाया गया, गया पाया। अगर मैं ना ये एक दो तीन जो किया हूं अगर मैं 0.5 करके लेता अरे सॉरी ये जो प्राइसेस मैंने देखो दो दो करके घटाया ना पहले प्राइस 10 था फिर 8 हो गया अगर मैं प्राइस 10 था 10 के बाद 9.5 करता फिर 9 करता फिर 8.5 करता फिर 8 करता 7.5 करता 7 करता ऐसे करके अगर मैं टेबल बनाता तो आप देखते एआर और एमआर में ना 50% का डिफरेंस है और बाद में 70% 80% 90% 200 ऐसे डिफरेंस हो जाएगा मतलब ये जो डिफरेंस है अगर मैं 0.5 के लगता है मेरे प्राइस में पहले दस था फिर आठ हो गया फिर छह हो गया कितने का डिफरेंस आ रहा था दो का अगर यही डिफरेंस मैं जीरो पॉइंट फाइव करके करता तो ए आर और एम आर में ना हाफ का डिफरेंस होता ए आर और एम आर में भरोसा नहीं हो रहा घर जाना और सेम टेबल को जीरो पॉइंट फाइव के हिसाब से बनाना आप देखिएगा ए आर और एम आर में ना एक टाइम पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा हाफ का डिफरेंस आ जाएगा और फिर भी अगर आपका आउटपुट बढ़ते चला जाएगा अब वो डिफरेंस पचास परसेंट का नहीं रहेगा साठ परसेंट सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट का डिफरेंस आ जाएगा तो जो ए आर होगा उसका हाफ क्या होगा एम आर मेरे को बोलो तो ए आर का हाफ क्या होगा एम आर अच्छा ए आर बड़ा या एम आर बड़ा ए आर तो ए आर का हाफ क्या होगा एम आर तो अपने सिंपली अच्छा ए आर का स्टार्टिंग पॉइंट और एम आर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना ठीक है अब देखना इसी सेम पॉइंट से मैं एम आर ड्रॉ करूंगा और मेरा एम हो जाएगा नेगेटिवली मेरा जो एम हो गया नेगेटिवली देख लो यहां पे एम नेगेटिव हुआ था कि नहीं हुआ था हुआ था ना अब मेरा आर क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक है क्लियर हो रहा है आप अब देखो आपने मार्केट का मार्केट चैप्टर पढ़ के आया अरे फर्स्ट सेमेस्टर मार्केट चैप्टर पढ़ के आया मार्केट चैप्टर में एक इक्लोरियम कंडीशन आपको पढ़ाया गया होगा क्या पढ़ाया गया होगा एम आर इक्वल टू एम सी पहला एम आर इक्वल टू एम सी और दूसरा क्या पढ़ा होगा एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो यही पढ़ाया गया होगा अरे फर्स्ट सेमेस्टर में परफेक्ट में यही पढ़ाया गया था कि एम आर इक्वल टू एमसी एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो यही पढ़ाया गया था तो आपने एम आर ड्रॉ कर दिया अब किसकी बारी है ड्रॉ करने की अरे आपने क्या ड्रॉ कर दिया है एम आर अब किसकी बारी है ड्रॉ करने की एमसी और आपको पता है एमसी फ्लैटर सेफ होता है फ्लैटर यू सेफ होता है एमसी कर्व कैसा होता है ऐसे होता है नाइकी का निशान देखा है तुम लोग ना एकदम फ्लैटर यू सेफ की तरह एमसी बनता है तो अपने को एम सी कर ड्रॉ करना है क्या ड्रॉ करना है एम सी कर्व तो सिंपली हमारा हो गया एमसी कर ये हमारा क्या हो गया MC कर. ये क्या हो गया सी कर है? अब आप देखिएगा एमआर और एमसी इस पॉइंट में मिल रहे ना दो कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही तो इक्वल पॉइंट होगा तो एम और एमसी किस पॉइंट मिल रहा है पॉइंट ई एम और एम किस पॉइंट मिल रहे पॉइंट ई पॉइंट ई से ना जब नीचे की तरफ लाओगे तो मिलेगा क्वांटिटी क्यों क्योंकि एम हमेशा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और ए हमेशा प्राइस को रिप्रेजेंट करता है एम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा एम किसको रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी को ए किसको रिप्रेजेंट करेगा प्राइस को और आप जानते भी होंगे ए और प्राइस हमेशा बराबर होते हैं तो ए ऑलवेज डिस्क्राइब करेगा प्राइस को एमआर ऑलवेज डिस्क्राइब करेगा क्वांटिटी को तो एम आर से क्या मिलेगा क्वांटिटी अब अपने को प्राइस निकालना है तो ये वाला जो कर्व है ना प्राइस की तरफ ले जाओ ए आर अब अपने को यहां से क्या निकल जाएगा यही था बस बना लो फटाफट कोई दिक्कत कुछ डाउट है क्या डाउट है तो कुछ लोग कहीं से मतलब हाँ बना लो ऊपर से बना सकते हो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कहीं से बना सकते हो बट हाँ एम को टच कट करके ही निकलेगा ठीक है एम को ही कट करके ही निकलेगा सिंपली बना लो बना लिया तुम तो, तो आपसे पूछता है ना आपसे पूछता प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली तो कैसे डिटरमाइन किया गया यही सिंपली सबसे पहले आपको एआर कर ड्रॉ करना है एआर का हाफ क्या होगा एम आर एम आर ड्रॉ कर दिया अब क्या ड्रॉ करेंगे MC. MR और जहां से कट करेगा वहां से मिलेगा इक्लोबियम कंडीशन और एम आर से मिलेगा क्वांटिटी प्राइस को पाने के लिए अपने को वो लाइन को कहां तक करना है? आर और ए आर से क्या मिल जाएगा प्राइस ठीक है बस लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट अरे नहीं मेरे को ना एक पॉइंट समझाने के लिए फिर ये कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा छोड़ दू क्या अच्छा लिख लो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ा दूंगा खाली एक स्टेटमेंट लिख लो खाली एक स्टेटमेंट लिख लो आप मुझे बताओ ये जो कर्व है सुनो सुनो ये जो कर्व है यहां से हमें क्या निकलेगा एम सी अरे ये वाला कर्व का ये वाला पॉइंट ई पर एम सी है कि नहीं है पॉइंट ई पर एम आर है और पॉइंट ई पर एम सी है तो पॉइंट ई e से क्या निकला एमसी आप बताओ प्राइस ज्यादा है या मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है आप बताइए ओपी ज्यादा है या ओसी ज्यादा है अरे ओपी ज्यादा है या ओसी ज्यादा है ओपी ज्यादा है ओसी कम है ना तो अपने क्या लिखेंगे ओपी ग्रेटर देन ओसी अरे पॉइंट ई पॉइंट ई से हमें एम भी मिल रहा है और पॉइंट e से हमें सी भी मिल रहा है मतलब सॉरी एमसी मिल रहा है तो हमने सी को बताया एम सी हमारा है तो आप बताओ ओ सी ज्यादा या ओपी ओपी ज्यादा तो ओपी अपना क्या है प्राइस अरे ओपी अपना क्या है प्राइस ओसी क्या है हमारा कॉस्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं ना ओसी हमारा क्या है कॉस्ट तो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट अरे कौन सा कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आपका पता है हर अल्टरनेटिव पूछता है कि इन मोनोपोली पी इक्वल टू एम P, greater than MC, P less than MC, none of them. तो आप आप बताओ आंसर क्या होगा पी MC mcq क्लियर लिख लो हाँ बनवास खत्म आज का तुम लोग का कोई दिक्कत तो अब आप मुझे बताओ मोनोपोली में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते क्या क्या मोनोपोली में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते नहीं क्या होता है प्राइस ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट कम होता है प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट लिख लेना कॉपी में घर जाकर इन मोनोपोली प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट इन मोनोपोली प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट थैंक यू कुछ डाउट है तो पूछ लेना चैट मत कर बाबू पूछ लिया कर मेरे से Blues, अच्छा ये वाला इधर नहीं करता बाबू नॉर्थ कोलकाता में नहीं करता 24 वो 24 परगना वगैरह उधर करता है इधर नहीं करता आ, तो 24 परगन, अरे 24 परगना और कोलकाता दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट है मैं कोलकाता की बात कर रहा था चलो हाँ हाँ कटता है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट वाला है ना इसीलिए